हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनरिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ। ये है शुगर से। सो फ्रेंड्स, शुगर ने अभी न्यू लॉन्च किया है, उन्होंने न्यू रेंज निकाली है कॉफ़ी कल्चर की। सो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किए हैं शुगर ने। मैंने ये तीन प्रोडक्ट्स पिक किए हैं, परचेज़ किए हैं कॉफ़ी रेंज में से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले शुगर ने अल्कोहलिक रेंज लॉन्च करी थी, उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी। सो उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये। इससे पहले उन्होंने एक्वाहॉलिक रेंज लॉन्च करी थी, सो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट हैं वो। सो इनका रिव्यू भी मेरे चैनल पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो शुगर बहुत जल्दी जल्दी और नए प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा है बेसिकली। सो इस टाइम उन्होंने कॉफ़ी रेंज लॉन्च करी है। सो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट बाय किए हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया है वो है एक लिप स्क्रब है ये। और सो फ्रेंड्स, इसका 299 रुपीज़ प्राइस है, आपको 3.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। और शुगर एक क्रुअल्टी फ्री ब्रांड है और वीगन प्रोडक्ट्स हैं इनके। और फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर शिया बटर है और आपको कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट ऑयल मिल जाएगा, और भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिप्स को एक्सफोलिएट करेंगे और नरिश करेंगे। सो पैकेजिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इनकी सेम कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और जैसे इन्होंने अपने एक्वाहॉलिक रेंज में स्काई कलर इंक्लूड किया था, उसी तरीके से इन्होंने कॉफ़ी रेंज में ब्राउन कलर को इंक्लूड किया है। सो कुछ इस टाइप का स्क्रब है ये फ्रेंड्स। इस टाइप से ये लिपस्टिक काइंड ऑफ लुक में है। आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से रहेगा, ये लिपस्टिक की तरह ही है और ऐसे क्लोज हो जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग चीप नहीं है। इस तरीके से लिपस्टिक काइंड में ये प्रोडक्ट है, बेसिकली ये लिप स्क्रब है। सो आपको इसे अपने लिप पे अप्लाई करना है, फिर आप अपने फिंगर से स्क्रब कर सकते हैं इसको इजीली, या चाहे तो आप इसे अप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं। बट मैं कहूँगी आप इसे अप्लाई करके अपने फिंगर से स्क्रब कीजिए, काफ़ी अच्छे से आपके लिप्स को स्क्रब करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर कॉफ़ी के छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स हैं जो कि आपके लिप्स को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही अच्छी कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस आ रही है। बहुत ही एनर्जेटिक सा फील होता है, कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस भी ले लो तो। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्क्रब। आप इसे अपने लिप्स पर अप्लाई करके और स्क्रब कर सकते हैं, उसके बाद रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपके लिप्स को स्क्रब करता है। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्राइटनिंग करने का। सो आपके लिप्स को ब्राइट भी करेगा एज वेल एज हाइड्रेट भी करेगा। सो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज भी रखेगा आपके लिप्स को ये। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा स्क्रब। थोड़ा प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 299 रुपीज़ फॉर 3.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छे से आपके लिप्स को नारिश करेगा और स्क्रब करेगा। सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट। आप भी इसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है इनका कॉफ़ी कल्चर आई फर्मिंग क्रीम। ये अंडर आई क्रीम है फ्रेंड्स। ये क्लेम करते हैं कि ये रिंकल्स को कम करते हैं, फाइन लाइंस को कम करते हैं और पफिनेस को कम करते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स को लाइटन करते हैं। और इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये क्रुअल्टी फ्री ब्रांड है और वेगन प्रोडक्ट है ये। और इसका प्राइस फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा 399 रुपीज़ इसका प्राइस है, और क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 15 ml। 399 रुपीज़ में 15 ml क्वांटिटीज़ ओके, ठीक है, अच्छी है। और सेम पैकेजिंग है इनकी, और कुछ इस टाइप से इनर पैकेजिंग है। ये ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग है, काफ़ी छोटू सी स्लीक पैकेजिंग है। और इसके अंदर भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो आपकी आइज़ को काफ़ी अच्छे से सूद करेंगे और हाइड्रेट रखेंगे और आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को हेल्प करेंगे रिड्यूस होने में। और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो लगी है वो है इनका ये रोलर फॉर्म। जो अंदर जो क्रीम है वो इन बॉल्स के अंदर आती है, आप पुश करेंगे इसी तरीके से आपको अपने आईज़ पे अप्लाई करना है। और जो ये रोलर्स हैं ये रोटेट होते हैं,
तो काफ़ी अच्छा मसाज मिलता है, इससे आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी कम होते हैं। तो मैं इसे ऐसे डायरेक्टली ही अप्लाई करती हूँ अपनी आईज़ पे, और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है और काफ़ी लाइट वेट क्रीम है इनकी, ये देखिए। और जो इनके ये जो बॉल्स है ना, इनसे बहुत ही अच्छे से क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्रीम, इसने मेरी पफिनेस को काफ़ी हद तक कम किया है, और डार्कनेस जो अंडर आइज़ के नीचे थी उसे भी काफ़ी हद तक कम किया है। अगर आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, पफिनेस की प्रॉब्लम है या डार्कनेस की प्रॉब्लम है या फाइन लाइन्स या रिंकल्स हैं, तो आप इसे लॉन्ग टाइम यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली इफ़ेक्ट दिखेगा। बिकॉज़ मुझे पफिनेस में बहुत इससे रिलीफ है, मेरे को बहुत ज़्यादा पफिनेस नहीं हो रही है जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत हद तक इसने अंडर आइज़ को लाइट करना भी शुरू कर दिया है, मतलब मुझे ब्राइटनेस लगती है अपने अंडर आइज़ के नीचे, और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी लाइट वेट अंडर आई क्रीम है और काफ़ी अच्छे प्राइस में है। अगर आप एक अंडर आई परचेज़ करना चाहते हैं, एक अच्छी अंडर आई परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको पसंद आएगी, डेफिनेटली पसंद आएगी। और जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरा वो है कॉफ़ी कल्चर पोर्स प्यूरिफाइंग मास्क। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्लेम करते हैं कि ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा और स्किन को, फेस को टाइटन करेगा, और आपके फेस को डीप क्लीन करेगा, पोर्स को टाइट करेगा और स्किन को रिजुविनेट बनाएगा, और काफ़ी ब्राइट और स्मूथ टेक्सचर देगा आपके फेस पे, ये ऐसा क्लेम करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स इसके अंदर कॉफ़ी ऑयल एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है, और आपको इसके अंदर रोज़ हिप ऑयल मिल जाएगा, और आपको कैल्वन क्ले मिल जाएगी। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। इसका प्राइस 499 रुपीज़ है, और आपको 70 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ बिफोर मेंशन हो जाएगा, और इसकी मेन पैकेजिंग पे भी आपको मिल जाएगा, और आपको इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे सारे यहाँ पर, और वो सेम इनकी ब्लैक मैट पैकेजिंग में है, और यहाँ कुछ लाइट ब्राउन से मेंशन है, और ये इस तरीके से ओपन होता है, और यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और ये मास्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप का मास्क है, बिल्कुल कॉफ़ी कलर में है, और ऑनेस्टली फ्रेंड्स मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद आया है तो इनका मास्क और इनकी अंडर आई क्रीम। इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, सेम है, कॉफ़ी फ्रेग्रेंस है, और जो मास्क है ये एक्चुअली वर्क करता है। मैंने इसे 2 बार लगाया है, और इसने एक्चुअली मेरे फेस को बहुत क्लीन और क्लियर बना दिया था, स्किन एकदम ब्राइट लग रही थी, और पोर्स भी टाइट फील हो रहे थे, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स मुझे कम दिख रहे थे, कम लग रहे थे। काफ़ी अच्छा मास्क लगा मुझे। पर्सनली मुझे कॉफ़ी मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट होते हैं, मुझे वो मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ वो मेरी स्किन पे ना कुछ अच्छा, बहुत ब्राइटर लुक देते हैं, और ना टाइट फील कराते हैं कि मेरी स्किन काफ़ी टाइट हो गई है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी थोड़ा डल स्किन फील कर रहे हैं, आपकी स्किन डल फील कर रही है, पोर्स टाइट नहीं है, और ब्राइटनेस चाहते हो, तो आप इस मास्क को ट्राई कर सकते हो, आपको काफ़ी पसंद आएगा। 499 रुपीज़ में 70 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट स्टिल काम बहुत अच्छा करता है मास्क, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये था मेरा इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यू, कि ये प्रोडक्ट्स मुझे कैसे लगे। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।